मित्रों नमस्कार। हम जो केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस था जिसमें हमने लास्ट टाइम पे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी जो बैलेंसिंग होती है वो कैसे होती है उसके बारे में हमने एक डेमो लिया था। आगे हम आ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन में और भी बहुत सारी चीजें होती है, केवल सिंबल्स से दिखाना ही पर्याप्त नहीं होता, उसके अलावा हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें केमिकल इक्वेशन में दिखानी पड़ती हैं। तो आइए उनके बारे में जाने, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो हमारी इक्वेशंस हैं, केमिकल इक्वेशन है जो कि रिएक्शंस को दिखाती हैं, उनको हम और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब अगर हमको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की बात कर रहे हैं तो पहली चीज हमें उसमें देखनी होगी बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स। हमें क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? फिजिकल स्टेट्स किसकी? ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है और जो आपके रिएक्टेंट हैं उनकी जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, वो उसको आपको दिखाना पड़ेगा पहला। इससे आपकी जो इक्वेशन होती है उसके अंदर पूरी केमिकल रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन हो जाता है और अच्छे तरीके से आप उसमें इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं और वो और अच्छी इक्वेशन बन जाती है। दूसरी चीज आपको उसमें जो करनी है वो है इंडिकेटिंग हीट चेंजेस। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जो हीट चेंजेस होते हैं दो तरीके के होते हैं। कुछ रिएक्शंस क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती है और कुछ रिएक्शंस हीट को रिलीज करती हैं। कुछ रिएक्शन को करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, तो जहां पे हीट की जरूरत पड़ती है वहां पे हमें हीट को कहां ऐड करना है, रिएक्टेंट में, और जहां पे रिएक्शन के बाद हमें हीट मिलती है वहां पे हमारी हीट कहां जाएगी, प्रोडक्ट में जो हमें बाद में मिला, तो वो भी हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा हीट चेंजेस के बारे में। तीसरा हमें दिखाना पड़ेगा बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत आसानी से नहीं होती है, उनके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन की जरूरत होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, बिना सनलाइट के वो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। हम कहेंगे रात में हम फोटोसिंथेसिस करा दें तो ये पॉसिबल नहीं है, तो स्पेशल कंडीशन क्या है उसके लिए, सनलाइट। तो वो स्पेशल कंडीशन भी आपको इनमें मेंशन करनी पड़ेगी, किस रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, कुछ रिएक्शन में कुछ पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस को उसमें मिलाना पड़ता है या उसकी एक निश्चित मात्रा हमें लेनी पड़ती है, क्वांटिटी लेनी पड़ती है, ये तमाम चीजें हमें जब रिएक्शन के अंदर डालते हैं तो हम उस इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो हमारी जो रिएक्शन है टोटली रिफ्लेक्ट करती है। हमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं कि हमने इसकी रिएक्शन इससे कराई, इसकी प्रेजेंट में कराई, ये करवाया, वो करवाया, वो सारी की सारी चीजें आपकी इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में एक साथ आपको दिखाई देती हैं, और जब वो सारी चीजें आपकी केमिकल इक्वेशन में आपको एक साथ दिखाई देती हैं तो उन सबको आप वहां पे अपने इक्वेशन में डिनोट करते हैं और उसके डिनोट होने से आपकी जो इक्वेशन है और ज्यादा क्या बन जाती है, इन्फॉर्मेटिव बन जाती है, उसमें इन्फॉर्मेशन उसमें झलकने लगती है। तो ये हमारा टॉपिक था कि हाउ कैन वी मेक अवर केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, उसको हम ज्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी टॉपिक हमने यहाँ पे लिया था। अब हम जरा इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला जो मैंने बात की थी यहाँ पे बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स, तो जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस एक्सेट्रा जो भी यहाँ पे होती है उनको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो आइए हम इसकी जरा बात कर लें। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जस्ट लाइक जिंक की एक रिएक्शन कराई हमने H2SO4 के साथ, जिंक ग्रेन्यूल्स हम लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करवाते हैं। H2SO4 होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन होती है आपकी ZnSO4+H2। अब देखिए, ये एक छोटी सी रिएक्शन हमने यहाँ पे आपके एज एन एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो जिंक होता है, जिंक क्या होता है, सॉलिड होता है, जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिंक के जो टुकड़े होते हैं आप देखेंगे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो जिंक जो है आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, तो हम क्या कर देंगे, इसके पीछे एक छोटा सा ब्रैकेट बनाते हैं और सॉलिड के ब्रैकेट में इसको छोटा सा एस लिख लेते हैं, जिंक, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है। फिर हम लिखते हैं H2SO4। अब H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे लिक्विड है, लेकिन H2SO4 क्या लिक्विड नहीं है, एक्चुअली दिस इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें क्या है, वाटर में मिक्स होता है, वाटर में H2SO4 मिक्स होता है, और केवल H2SO4 पर्टिकुलर एक चीज नहीं है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, इसको हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं, इसको हम कंसेंट्रेटेड फॉर्म में भी रख सकते हैं, तो इसके पीछे हम इस शॉर्ट में लिख लेते हैं AQ, यानी कि एक्वस। जब ये रिएक्ट करते हैं और इनकी रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो मिलता है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन,
तो जिंक सल्फेट सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, मैंने अभी कहा जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, AQ। और उसके बाद जो H2 हमारे यहाँ पर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, इसमें छोटा सा G लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्या बना दिया, इस रिएक्शन में हमने फिजिकल स्टेट्स का हमने यूज कर दिया और इसकी फिजिकल स्टेट्स को हमने इसमें डिनोट कर दिया। और ये जो यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने हो रही है जिसको हम इक्वेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, और ज्यादा क्या हुआ, इन्फॉर्मेटिव। इसमें देख के ही आपको पता लग रहा है कि हमने कोई सॉलिड को किसी लिक्विड में लाया, किसी एक्वस सॉल्यूशन में लाया और उससे हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन मिला और उससे गैस रिलीज हो गई, आपको सीधे सीधे इस इक्वेशन से पता लग जाता है। ठीक है, ऐसी एक रिएक्शन और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने देखा होगा CaOH का होल ट्वाइस, कैसे बनता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO में आप H2O को मिलाते हैं, चूने में पानी को मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है, ठीक है ना। तो इस बुझे हुए चूने को जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये है, ये क्या होगा, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, क्या पास करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए जब आप चूना, अब इसकी मैं चलो पहले रिएक्शन को ही कंप्लीट कर लेते हैं, और तो जब ये इसमें पास होता है तो ये बना देता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, ये होता है सॉलिड और प्लस इसमें से क्या रिलीज होता है, H2O हमारा यहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। दिस इज CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हमने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे रिएक्ट करती है तो ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा होता है, जो क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में होता है, दिस इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट हमने आपको एक दिन पहले बताया था, जो चीजें वाटर में मिक्स नहीं होती है वो क्या होती है, वाटर से अलग हो जाती है, बैठ जाती है उसमें, पानी उससे अलग हो जाता है, तो सॉलिड रिजल्टेंट हमारे पास कुछ होता है, तो उस फॉर्म में CaCO3 हमें मिलता है और ये क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए हमने इसके ब्रैकेट में सॉलिड लिखा है। और प्लस H2O जो है पानी है, इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये रिएक्शन बेसिकली होती क्या, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, सॉलिड है, आपने उसको पानी में मिलाया, जब आपने चूने में पानी को मिलाया तो चूने में पानी मिलाने से क्या बना, आपका बन गया CaOH का होल ट्वाइस। इससे पहले जो रिएक्शन हुई थी, जो रिएक्शन होती है, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं आपको, CaO+H2O, ये आपका चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O से मिलाया तो ये बनती है CaOH की होल ट्वाइस। तो ये क्या होता है, आपका लाइम वाटर होता है, बुझा हुआ चूना होता है। अब ये CaOH क्या होता है, चूने में पानी मिल गया, अब आपने चूना क्या लगा दिया, दीवार पर लगा दिया, तो दीवार पर आप लगाया है, आप दीवार पर क्या लगाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जब आप दीवार पर CaOH का होल ट्वाइस लगाते हैं तो इसको लगाने के बाद क्या होता है, जब आप चूना लगा देते हैं उस समय के लिए, तो आपने देखा होगा दीवार कोई बहुत ज्यादा चमकती नहीं, उस समय दीवार में आपको लगता है कि चूना बड़ा हल्का लगा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि आपको दीवार एकदम से चमकती हुई दिखाई देती। कारण क्या है, ये CaOH का होल ट्वाइस जब आप दीवारों पर लगाते हैं तो हमारे एटमोस्फेयर की जो गैसेस है वो उससे क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो उनमें एक गैस है CO2, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे नेचर में है, वो जब उस चूने से रिएक्ट करती है तो CaOH में मिल करके ये CaCO3 बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, यानी इससे पानी अलग हो जाता है, तो H2O हमारा लिक्विड उससे ऑटोमेटिक अलग हो जाता है और केवल क्या बच जाता है हमारे पास, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो हमारी दीवार जो होती है एकदम से व्हाइट दिखाई देती है, तो जब चूना करते हैं उस समय नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि चूना बड़ा हल्का है, लेकिन जब वो CO2 से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाता है वो सॉलिड बन जाता है और वो चूना सूख जाता है तो उससे पानी ये है अलग हो जाता है और आपकी दीवारें चमकने लगती हैं और आप कहते हैं भैया कि हमने चूना लगा दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है, मैंने इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम अपने घरों में ये देखते हैं। तो मैंने इसके पीछे मेन बेसिक रीजन क्या है, हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमें ये देखना है कि हमारा पहले एक्वस सॉल्यूशन था, उसमें गैस ने रिएक्ट किया और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो और H2O हमारे लिक्विड फॉर्म में बाहर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम आगे यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, यह है टू इंडिकेट हीट चेंजेस, हीट चेंजेस को हमें दिखाना है। इसके लिए मैं कुछ रिएक्शन आपके सामने लेके आए, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ की रिएक्शन है, अभी हम एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इससे पहले देख रहे हैं रिएक्शन क्या होती है। कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा आपको, कार्बन आपको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हमने कार्बन में क्या किया,
ऑक्सीजन से इसकी रिएक्ट कराई, यानी हमने कार्बन को क्या किया, बर्न किया, जलाया कार्बन को, हमने बर्न किया, कार्बन सॉलिड था, हमने ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्ट कराई, तो क्या निकला हमारा CO2। और CO2 क्या है, गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे रिलीज होती है, और प्लस इसमें कुछ निकलती है हीट। एक रिएक्शन तो आपकी ये है। देखिए हुआ क्या इस रिएक्शन में, मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं आपको। कार्बन यानी कि फ्यूल, आप फ्यूल की बात करते हैं हम कहीं पे भी, तो हम जब हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है किसी भी, तो एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं कार्बन प्रोडक्ट्स का, फॉसिल फ्यूल की हम बात करते हैं चाहे किसी और भी चीज की बात करते हैं, जिसे भी एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन को हम जब भी जलाएंगे, जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं, कार्बन की जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं यानी कि कार्बन को हम जला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कागज है, उस कागज को आप जला रहे हैं, उस कागज को जलाने से क्या निकलता है, एक काला सा धुआं निकलता है, तो वो धुआं क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना दी। और उसके अलावा क्या हुआ, जब उस कागज को आप जलाते हैं तो आपको क्या फील होती है, हीट फील होती है, गर्म फील होता है, यानी कागज को जलाने से हमें क्या मिली है, हीट। तो प्लस हमें क्या मिली यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट, हीट भी मिली, ठीक है। इसमें एक चीज और मिलती है हमें, कई बार लाइट भी मिलती है, जलाते हैं तो उसे उजाला भी होता है, तो लाइट एनर्जी। फिलहाल यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं, तो CO2 प्लस हमें साथ में क्या मिला है, हीट मिली है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मेथेन। मेथेन भी एज अ फ्यूल यूज होता है, ये भी एक ईंधन है। मेथेन हमेशा जो हमें मिलता है, जो हमें मेथेन मिला है, मेथेन होती है गैस, एज ए गैस हमें मेथेन मिली, ठीक है ना। और जो मेथेन थी इसको भी हमने बर्न किया, इसको भी हमने क्या किया, जलाया। और मेथेन को हमने जब जलाया तो ये ऑक्सीजन हमें क्या मिली थी, गैस की फॉर्म में मिली। मेथेन गैस जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करती है तो दोनों बर्न करते हैं, यानी कि मेथेन का जलना, मेथेन जब जला यानी उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो उससे भी क्या निकलेगा, CO2, और CO2 क्या होगी, गैस। प्लस इसमें से क्या रिलीज होगा, H2O। अब यहां पे एक चीज आपको और समझनी है, जो H2O यहां पे निकलता है, क्योंकि पानी भी इसमें से अलग हो गया, H2O निकल गया, लेकिन H2O क्या है, जब मेथेन जल रहा था, मेथेन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी, तो इतनी हीट उसको मिल जाती है कि जो H2O हमारे रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, गैस फॉर्म में, क्योंकि भाप बन के निकलती है। तो जब पानी भाप बन के निकलेगा तो सॉलिड वो लिक्विड होगा या गैस होगा, उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, गैस। तो यहां पे H2 जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। और प्लस कुछ यहां पे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिस चीज के लिए हम इसको बर्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे दो एग्जांपल थे हीट से रिलेटेड, जिनमें हमने बात की कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और इक्वेशन को हम हीट हमें दिखाएंगे कि भाई किस रिएक्शन में हमने हीट का यूज किया, किस रिएक्शन में किस तरीके से हीट का यूज होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें हीट रिलीज होती है, उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिनके हमने अभी बात की, जिनमें हमने प्रोडक्ट में हीट जोड़ा था। लेकिन अब जो रिएक्शन है हम एंडोथर्मिक की बात कर रहे हैं, वो रिएक्शन जिनको करने के लिए हीट की जरूरत होती है, जिनमें पहले हीट देनी पड़ती है तब जाके रिएक्शन होती है। वैसी एक रिएक्शन है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन होती है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम साथ में हीट करते हैं लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, तो ये बन जाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इस गैस में कन्वर्ट होती है। तो हमने यहां पे क्या किया, हीट को किसके साथ जोड़ा है, रिएक्टेंट में जोड़ा, ठीक है ना। तो हमें रिएक्शन में दिखाना पड़ेगा कि हमने रिएक्शन करने के लिए हीट का यूज किया। पहली वाली रिएक्शन में क्या थी, हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन के बाद हमें हीट मिली थी, तो हमने प्लस राइट साइड में लिखा था, क्योंकि वहां हमें रिएक्शन से हीट मिली थी। यहां पे रिएक्शन को करवाने के लिए हीट की जरूरत है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएंगे, हमारी एंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा को अंदर लेने वाले, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करने वाली, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में। अगली एक रिएक्शन इसका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 गैस में। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, हमने जब इसको गर्म किया, इसको गर्म करने से हमारा जो अभी हमने पहले वाली रिएक्शन बताई थी आपको, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम फिर से हीट करें, बहुत ज्यादा गर्म कर दें अगर सोने को, तो उसमें क्या होने लग जाता है, फिर चूना, कुछ समय बाद आपने देखा होगा जब गर्मी का मौसम आता है तो आपकी दीवारों पर लगा हुआ चूना धीरे धीरे उखड़ने लगता है, क्योंकि वो दीवार पे CO3 था, जब उसको हीट मिली तो हीट के मिलने से क्या हो गया, उसका CO अलग हो गया और CO2 उसमें से जो गैस होती है वो उड़ने लग जाती है, और केवल क्या बच जाता है, केवल जो व्हाइट चूना जो स्टार्टिंग में था, इसमें पानी नहीं मिलाया था आपने, उस चूने की फॉर्म में वो फिर से कन्वर्ट होने लगता है और वो चूना दीवार से उखड़ने लग जाता है। तो ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि उनको अलग अलग करना, तोड़ना। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एक सब्सटेंस किन्हीं दो सब्सटेंस में टूटता है तो इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कहीं ना कहीं उनको तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की, और वो एनर्जी हमेशा किसकी फॉर्म में हम देते हैं, हीट की फॉर्म में। तो इसलिए ऐसी जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी अधिकतर, वो क्या कहलाएंगे आपकी,
एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सोथर्मिक का हमने पहले रिएक्शन दिया और एंडोथर्मिक का ये हमने एग्जांपल आपके सामने रखे, ये था टू मेक हीट टू इंडिकेट हीट चेंजेस इन एनी रिएक्शन। इससे भी आपकी जो इक्वेशन होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ में, जो कि तीसरा पॉइंट इसका है। तीसरा पॉइंट जो हमने बात की थी, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन इज हैपनिंग गोइंग ऑन। तो ये रिएक्शन किन किन कंडीशन में हो रही है हमें दिखाना पड़ेगा। एक एग्जांपल प्रेजेंस में MnO3 जो होता है, इसकी प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस उससे निकल जाती है। तो ये एक रिएक्शन है किसकी, ये एक एग्जांपल है टू इंडिकेट द कंडीशन। हम कंडीशंस को कैसे दिखाते हैं, जिन कंडीशन में रिएक्शन, अगर हम इसको गर्म नहीं करेंगे या MnO3 को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रखेंगे एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारी एक रिएक्शन हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है तो मेथिल एल्कोहल बनाती है, यानी मेथेनॉल बनाती है। अब ये इतना आसान तो है नहीं मेथेनॉल को बनाना। अब मेथेनॉल बनाना इतना आसान होता तो भाई हमारी जो ऑयल की प्रॉब्लम्स है वो खुद ही सॉल्व हो जाती, क्योंकि एज ए फ्यूल हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन लैब के अंदर होती है, कब होती है, जब उसको 300 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर देते हैं। बहुत ज्यादा जब प्रेशर देंगे आप दोनों गैसेस को एक साथ, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड का आप इसको टेम्परेचर देंगे। ये दोनों कंडीशन देने के बाद में ZNO और CrO3 को जो की जब प्रेजेंस वहां पे होती है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना देती है, मेथिल अल्कोहल बनाती है। तो इन कंडीशन के बिना अगर आप रिएक्शन को लिखेंगे तो ये रिएक्शन सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये समझना है कि कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिनके कारण ये रिएक्शन पॉसिबल हुई है, वो भी हमें यहाँ एरो के ऊपर यहाँ पे लिखनी पड़ती है, एरो के ऊपर, और नीचे हम इनको दिखाते हैं। तो तीन चीजें मैंने आपको बताई, पहले तो आपको रिएक्शन में जो भी आपके सब्सटेंसेज हैं उन सबकी स्टेट को लिखना है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, वो सब आपने उनके पीछे ब्रैकेट में लिखना है। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपने हीट को दिखाना है, प्लस हीट लिख सकते हैं, प्लस एनर्जी लिख सकते हैं, प्लस हीट रिलीज लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो जब रिएक्शन करने के दौरान हीट की जरूरत पड़ेगी, पहले तो आप प्लस में हीट लिखेंगे, लेकिन जब रिएक्शन के बाद में हमें हीट मिलेगी, यानी एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होगी तो तब हमें रिजल्ट में आपने प्लस हीट लिखना है। और तीसरी बात हमने क्या कही थी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जिन कंडीशंस में वो रिएक्शन हुई है, वो हमें एरो के ऊपर और नीचे लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है, तो ट्रायंगल जो है ये हीट का सिंबल है, किसी को गर्म करने के लिए हम इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, हमने इसको गर्म कर दिया। अगर हमें टेम्परेचर पता नहीं है, तो अगर टेम्परेचर पता है तो हम उसका टेम्परेचर भी, जैसे हमने इस नीचे वाले में लिखा 300 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें इसका प्रेशर पता है तो हमने 300 एटमोस्फेरिक का प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है। ZN प्लस CrO3 जो हमारा है ये यहाँ पे किसका फॉर्म कर रहा है, ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हम रखते हैं तब जाकर के कोई हमारी रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट हो पाती है। और ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल और है जो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस का। और मैंने आपको कहा था कि जो 6CO2 और 6H2O की जो रिएक्शन होती है, अब आप 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल टू करके क्या लिख लेंगे, C6H12O6, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज आपका बन गया और प्लस 6O2 ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो गई। लेकिन उस रिएक्शन में जब आप एरो बनाएंगे बीच में इस तरीके से, तो उसके ऊपर आप क्या लिखेंगे, वहां पे किसकी प्रेजेंस जरूरी है, वहां पे सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है, तो वहां पे आप सनलाइट की बात करेंगे। इसके अलावा उस रिएक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है, वो रिएक्शन केवल कहां पे होती है, क्लोरोफिल में होती है, क्लोरोफिल होना इसमें जरूरी है, इसलिए उसमें आप क्लोरोफिल भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन है हर जगह पे नहीं होगी, ये पत्ते में जो क्लोरोफिल है केवल वहां पे प्रेजेंट होगी, आप उसकी टहनी में उस रिएक्शन को नहीं करा सकते, अपने घर में उस रिएक्शन को नहीं करा सकते, उसके लिए वो कंडीशन होनी जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। अब पेड़ तो रात को भी पेड़ है, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होगी, क्योंकि रात को सनलाइट नहीं मिलेगी। तो जो स्पेशल कंडीशन है उनके बिना वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको लिखना बहुत ज्यादा अर्जेंट है। उनको लिखे बिना एक तरह से आपकी रिएक्शन क्या है, आपकी इक्वेशन क्या है, गलत मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझने थे, और हमने पूरे एक्सप्लेन करके इसको आपके सामने समझाने की कोशिश की है। आप इसको समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट आपको अभी भी इसमें लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें, और आगे भी हम ऐसी क्लासेस लेके आपके बीच में आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम केमिस्ट्री की सीरीज को आगे कंटिन्यू करें या ना करें, ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। तो आइए पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Bird on a tree,
I'm just sitting here.